दोस्तों ये वीडियो डेडिकेटेडली रहने वाली है UFC 302 में फाइटर्स ने जितनी भी अर्निंग्स की है उसके ऊपर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए UFC एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसी कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई अर्निंग अप्रोक्सीमेट अर्निंग है, ना कि एग्जैक्ट अर्निंग। UFC 302 में मेन इवेंट में फाइट हुई थी इस्लाम महाचेव वर्सेज डस्टिन पोरियर के बीच में। तो बात करते हैं इस्लाम महाचेव से। इस्लाम महाचेव को UFC ने पे किए $1.84 मिलियन जो कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पे होते हैं ₹15 करोड़। एंड इस्लाम महाचेव सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले फाइटर थे। बात करते हैं मेन इवेंट के फाइटर डस्टिन पोरियर के बारे में। UFC ने डस्टिन पोरियर को पे किए $1.282 मिलियन जो कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पे होते हैं अप्रोक्सीमेटली ₹10 करोड़। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पेड फाइटर डस्टिन पोरियर ही थे UFC 302 में। मेन कार्ड में नेक्स्ट फाइट थी सीन स्ट्रिकलैंड वर्सेस पाउलो कोस्टा की। UFC ने सीन स्ट्रिकलैंड को पे किए $1.221 मिलियन एंड जो कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पे होते हैं अप्रोक्सीमेटली ₹10 करोड़। दोस्तों सीन स्ट्रिकलैंड वर्सेस डस्टिन पोरियर ने जो भी अर्निंग की है वो सिमिलर सी की है, जिससे कि उनका अप्रोक्सीमेशन ₹10 करोड़ होता है। पाउलो कोस्टा को UFC ने $500,000 पे किया जो कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पे ₹4 करोड़ बनते हैं। दोस्तों नंबर 5 आते हैं केविन होलैंड एंड UFC ने इन्हें पे किया $371,000 जो कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पे होते हैं लगभग ₹3 करोड़। दोस्तों नंबर 6 पे बात करते हैं जेल्टन एल्मीडा की। जेल्टन एल्मीडा को UFC ने पे किए $206,000 जो कि कन्वर्ट करने पे होते हैं ₹1.70 करोड़। दोस्तों नंबर 7 पे बात करते हैं ग्रैंड डोसन की। UFC ने इन्हें पे किए $191,000 जो कि इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने पे होते हैं ₹1.60 करोड़। नंबर 8 पे बात करते हैं रैंडी ब्राउन की। UFC ने इन्हें पे किए $161,000 जो कन्वर्ट करने पे होते हैं ₹1.34 करोड़। दोस्तों ये थे UFC 302 से टॉप 8 अर्न करने वाले फाइटर्स। अब बात करते हैं लाइटवेट डिवीजन के वन एंड ओनली चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। ड्यूरिंग इंटरव्यू इस्लाम महाचेव से पूछा गया कि क्या आप लाइटवेट डिवीजन में ही फाइट करना चाहते हैं। इस्लाम महाचेव ने कहा कि इस डिवीजन में मुझे नहीं लगता कि अब कोई फाइटर बचा है कि जिसे मैं अब फाइट कर सकता हूं। मैंने लगभग सभी फाइटर्स को बहुत अच्छी तरह से डिफीट कर ही दिया है। इस्लाम महाचेव मूव ऑन करना चाहते हैं वेल्टरवेट कैटेगरी में एंड वहां जाके फाइटर से फाइट करना चाहते हैं एंड वहां जाके वो डबल चैंपियन बनना चाहते हैं। इस्लाम महाचेव के कोच ने एक स्टेटमेंट दी थी, इस्लाम महाचेव को कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करनी चाहिए एंड वन इन अ लाइफ टाइम कॉनर मैकग्रेगर से इस्लाम महाचेव की फाइट तो होनी ही चाहिए, बिकॉज कॉनर मैकग्रेगर के साथ जो भी फाइटर फाइट करते हैं तो उनकी अर्निंग की प्रीवियस फाइट से डबल ट्रिपल से लेके 5x तक बढ़ जाती है। दोस्तों क्या इस्लाम महाचेव को लाइटवेट कैटेगरी में रह के कॉनर मैकग्रेगर के साथ फाइट ले लेनी चाहिए या फिर इस्लाम महाचेव को लाइटवेट कैटेगरी से वेल्टरवेट कैटेगरी में शिफ्ट होकर डबल चैंपियन बन जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।